टाइप टू प्रोजेक्टाइल आ गया सबको। टाइप थर्ड प्रोजेक्टाइल करते हैं। दिख रहा है साफ? दिख रहा है? देखो अब क्या करेंगे, इसमें जो सेकेंड टाइप था उसको और फर्स्ट टाइप को दोनों को मिला देंगे। अब यहां से हॉरिजॉन्टल हो गया, किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया अपन ने किसी वेलोसिटी यू से, ऐसे जाएगा और यहां कहीं आकर के गिरेगा। यहां पर भी आप इसकी वेलोसिटीज निकाल सकते हो, यहां पर भी आप इसकी वेलोसिटीज निकाल सकते हो। किसी भी पॉइंट पर हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलेंगे अपन टाइप थर्ड प्रोजेक्टाइल। इसमें अपन ने दोनों प्रोजेक्टाइल को मिक्स कर दिया, टाइप वन ग्राउंड टू ग्राउंड। तो अगर ऊपर ऊपर वाला देखें तो यहां से यहां देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, और दूसरा उसके बाद में देखो यहां से हॉरिजॉन्टल से अपन ने किसी चीज को फेंका तो ऐसे आएगा। तो दोनों प्रोजेक्टाइल को मैच करेंगे। अब इसका अगर ट्रेडिशनल मेथड देखें अपन तो ट्रेडिशनल मेथड तो बड़ी अजीब सी रहेगी। उसमें क्या होगा कि अपन को पहले ग्राउंड टू ग्राउंड करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर टाइप टू करना पड़ेगा, फिर दोनों कंबाइंड करना पड़ेगा, जब जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लेकिन इसमें काइनेमेटिक्स में एक मेथड बताया था मैंने, चेंजिंग ऑफ एक्सिस। अगर चेंजिंग ऑफ एक्सिस एक्सिस को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारे बहुत इजी हो जाएगी। देखिए सर, मान लो इसकी हाइट एच है, यू है ऊपर, तो इधर क्या हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा यू वाई। दिख रहा है क्या ऊपर? एक सेकंड और कैमरा थोड़ा तो ऊपर कर देता हूँ मैं। देखो अब यहां पर एक्सिस सपोज कर लो, इस जगह यहां एक्सिस मान लो एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये ओरिजिन हो गया। तो इसके नीचे वाली जो डिस्टेंसेज होंगी वो नेगेटिव आ जाएंगे, इसके ऊपर वाली जो डिस्टेंसेज होगी या जो भी होगा क्वांटिटी वो पॉजिटिव आ जाएगी। चेंजिंग ऑफ एक्सिस याद हो अगर आप लोगों को, मैंने सिखाया था काइनेमेटिक्स में। तो यहां पर अगर अपन चेंजिंग ऑफ एक्सिस निकालें तो यहां से ये यहां से चला और वापस कहां तक आया? ग्राउंड तक आया। यहां तक का टाइम अपन इससे निकाल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और उसमें क्या होगा बताओ? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर होता है। इसमें चेंजिंग ऑफ एक्सिस अप्लाई करो, एस वाई तो माइनस एच हो जाएगा नीचे की तरफ, यू वाई क्या है, यू वाई टी की जगह टी ले लो, ठीक है पूरा टी ले लो बड़ा, ठीक माइनस आएगा क्योंकि ए वाई जी हो जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन यहां से टाइम निकाल लेंगे, और इस टाइम को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें किससे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी कहां से, यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है ना। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से लेकर यहां तक अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट। तो एस एक्स हो जाएगा आर, यू एक्स हॉरिजॉन्टल में अभी भी एक्सेलरेशन जीरो ही है, करेक्ट। तो यू एक्स टी, दैट्स इट। किसी भी पॉइंट पर अपन को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो क्या आएगा? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस ए वाई टी, और दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी।
अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं थर्ड टाइप प्रोजेक्टाइल पर, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चंस कराता हूं। नोट करो जरा इसको। नोट करिए फटाफट। चलो प्रॉब्लम नंबर वन करते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 100 मीटर with velocity 50 meter per second. Find time taken to reach the ground or number two horizontal range. दो चीजें find करो, time taken to reach the ground and horizontal range. आंसर बोलो जल्दी। सर एंगल नहीं लगता इसमें, लगेगा ना बेटा 30 डिग्री ले ले यार, एंगल नहीं दिया। क्योंकि यू वाई का मतलब हो गया यू साइन अल्फा लिखना पड़ेगा ना। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। SY is equal to H is equal to 100 meter. UY is equal to U sin alpha
यानी कि 50 साइन 30 डिग्री पी फाइंड करना है। ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी ले लीजिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन में नहीं है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 50 इंटू 1 बाई 2, 25 मीटर पर सेकेंड। 25 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर, तो हो गया 5, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो। देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, इसके अगर फैक्टर हो रहे तो ठीक ही, नहीं तो धराचार्य मेथड लगाओ। क्या रहे टी, वैसे तो 5 कॉमन लेके उड़ा भी सकते हैं इसमें, देखो तो यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 एसी, एप्रोप्रिएट डेटा नहीं है। 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 और 420 जाए 80, डाटा प्रॉपर नहीं है, छोड़ दो। कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं बुक के, जेई के क्वेश्चंस करते हैं सारे, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, इफ आर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, if r is the maximum horizontal range of a projectile then the greatest height attained by it is, greatest height attained by it, options है आपके पास r to r, r by 2, r by 4, R to R, R by 2, R by 4. Maximum horizontal range दे रखी है, maximum height निकालनी है। R, R. क्यों? R is equal to 45 degree तो maximum रहता सर, 45 degree. तो 45 degree रखेगा H में, तो क्या आएगा? सर अपोजिट और एडजेसेंट सेम रहता है ना 45 डिग्री के अंदर? नहीं,
45 पर आर मैक्सिमम होती है, लेकिन हाइट 45 पर क्या होगी वो निकालना। 45 पर हाइट कितनी होगी बेटा वो निकालना। निकाल भी 8 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी, ये होता है। इसका मतलब आर क्या है, यू स्क्वायर बाई जी है। तो यहां पर तुमने 45 लिया तो एच इज इक्वल टू क्या लेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी होता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो गया, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2 जी, ठीक। तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू यहां देख ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 4, तो ये कितना है r, तो r बाई 4 होगा। r बाई 4 ये किसी ने आंसर तो दिया था, किसने दिया देवी, r बाई 4 किसने दिया, कृष्णा ने दिया था, समझ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो बेटा, देखते हैं ये किसके साथ आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u Projectile is projected with velocity u so that its range on a horizontal plane, so that its range on horizontal plane, horizontal plane is twice the greatest height attained, is twice the greatest height attained. Greatest height attained. If g is acceleration due to gravity, then its range is. So its range is. चार ऑप्शन दे रहा हूं, 4v² / 5g. ये v दे रखा है उसने, 4v² / 5g. सेकेंड है 4g / 5v². थर्ड है 4v³/5g² और लास्ट है 4v / 5g². विच वन इज करेक्ट, रेंज हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल की जो रेंज है वो ग्रेटेस्ट हाइट का डबल है, करो ध्यान से। पहले थीटा निकालना पड़ेगा बेटा, इससे आपको
मैं इक्वेशन लिखूं क्या, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब आर इज इक्वल टू टू टाइम्स एच। आर क्या होता है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये टू एच क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, टू जी। टू से टू कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टू। इधर देख जरा, ये तो तुम्हारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू टू आ गया, ऐसे सवाल अपन ने पहले भी किया है, कोई खास बात नहीं। अब अपन को निकालना है आर। आर क्या होता है, आर क्या होता है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी होता है। अपने पास टेन थीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देख टू बाई जी, ये वी स्क्वायर आ जाएगा इन टू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को, और ये कहां से आएगी, इधर देख, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टू बाई वन, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, चार और एक पांच, रूट फाइव इस थीटा के लिए। तो साइन थीटा क्या आ गया यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो टू बाई जी वी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन टू बाई रूट फाइव, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस वन बाई रूट फाइव। इसको सोल्व कर दो तो ये हो गया फोर वी स्क्वायर बाई फाइव जी, फर्स्ट ऑप्शन। हो गया, नेक्स्ट। देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड Next question is, the point from where a ball is projected is taken as the origin of the coordinate axis। ये फालतू की लैंग्वेज देते हैं, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन जानते हैं इसको, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आर गिवन बाय, displacement are given by x is equal to 60 and
y is equal to 8t minus 5t square. What is the velocity of projection? फर्स्ट लेक्चर में जो कराया था 2D मोशन उससे करने की कोशिश करो. x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पर वेलोसिटी निकालो, y एक्सिस पर वेलोसिटी निकालो, कंबाइंड करो. ऑप्शन है आपका 6, 8, 10, 14. ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं. x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी निकालो, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी निकालो और सॉल्व करो. पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. What is the change in velocity when it is at highest point? नहीं आया, क्लिक नहीं करा. देखो इधर, ये u है, इधर क्या होता है u cos थीटा, ये थीटा है u sin थीटा. तो इनिशियल पॉइंट पर ऊपर जो वेलोसिटी वो क्या होगी और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है. एट इनिशियल पॉइंट क्या आएगा, देख, u इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, यही होगा. हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर पता है अपने पास केवल u cos थीटा ही होता है, यहां पर u sin थीटा जीरो होता है. तो ये तो 8o हो गया. 8 कोई भी पॉइंट ले ले, p, 8p क्या होगा, v इज इक्वल टू यू cos थीटा आई तो होगा प्लस जीरो. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देख, u cos थीटा आई माइनस u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा j. u cos theta ऐसे u cos theta कैंसिल हो जाएगा, माइनस u sin theta j होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, u sin theta, ऑप्शन नंबर थर्ड.
ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अभी मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चन करूंगा मैं इसमें। और मेरा क्रॉस क्वेश्चन है ये, देख इधर ध्यान से देखो जरा कि पार्टिकल इज फायर्ड विद स्पीड यू, वेलोसिटी हटा करके यहां स्पीड कर रहा हूं, ध्यान देना, स्पीड यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। पहले वेलोसिटी था, ध्यान दो, अब स्पीड है, तो इनिशियल पॉइंट पर स्पीड कितनी है अपनी, इनिशियल पॉइंट पर स्पीड कितनी है यू, और फाइनल पॉइंट पर स्पीड कितनी है, यू कोस थीटा। तो चेंज इन स्पीड क्या होगा, यू कोस थीटा माइनस यू। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, फर्क क्या है दोनों में, एक जगह वेलोसिटी है एक जगह स्पीड है। जब वेलोसिटी लेंगे तो वेक्टोरियल चीजें करेंगे, और जब स्पीड लेंगे तो वेक्टर की जरूरत नहीं है, समझे आप। बाकी कल क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे, कल खत्म करेंगे प्रोजेक्ट टाइम।